झारखंड में कांग्रेस बड़े बदलाव के मूड में नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस अब आदिवासी चेहरों को हेमंत सरकार में जगह देना चाहती है। इनमें एक नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो नाम है शिल्पी नेहा तिर्की का। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पहली बार मांडर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में जीत कर सदन पहुंची है। नेहा का शैक्षिक बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। युवा चेहरा होने और बंधु तिर्की की पार्टी में अच्छी पकड़ होने का लाभ शिल्पी नेहा तिर्की को मिलने की संभावना है। इसी तरह मंत्री पद के कांग्रेस में कई और नामों की चर्चा है। अब देखना है कि किसका भाग्य साथ देता है। हेमंत सोरेन दिल्ली से किसके नाम पर सहमति बनाकर झारखंड लौटे हैं, यानी अब ये देखने को मिल सकता है कि युवा चेहरों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करते हुए बड़ा मौका दे सकती है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर नेहा को मंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस के बाकी नेताओं पर इसका क्या असर पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में फेरबदल को लेकर बगावत का माहौल बन सकता है।